इनका चयन बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस के विभिन्न वाहिनियों से हुआ। चयन के उपरांत इनका प्रशिक्षण पहले पटना में, फिर डेहरी ऑन सोन में कराया गया बीएसएफ की वाहिनियों में। इसके उपरांत इन्हें एडवांस कमांडो प्रशिक्षण के लिए सीटीसी मुठखेड़, जो महाराष्ट्र में है, जो सीआरपीएफ की एडवांस कमांडो ट्रेनिंग सेंटर है, इन्हें वहाँ भेजा गया। वहाँ इन लोगों ने एडवांस ट्रेनिंग, एडवांस कमांडो प्रशिक्षण का कोर्स किया और उसके बाद उस कोर्स के उपरांत ये वापस यहाँ पर आ गई हैं। इस पूरी प्रक्रिया में कमांडेंट श्रीमती हरप्रीत कौर और डीआईजी श्रीमती गरिमा मल्लिक ने विशेष योगदान दिया है और इन लोगों की मेहनत के बाद ये फोर्स तैयार हुई है। ये बहुत ही हाई लेवल की ट्रेनिंग प्राप्त करके ये कमांडोज आई हैं। बहुत बहुत अच्छा कर रही हूँ। फिर ऐसा लग रहा है कि अब चाहे किसी भी फील्ड में मुझे ड्यूटी करने के लिए बोला जाए तो मैं कर लूँगी, या फिर कोई भी ऑपरेशन के बारे में बता दें, ये मतलब जगह का नाम है, यहाँ ऑपरेशन करना है, उस ऑपरेशन को अपने तरीके से कैसे ले जाना है, अगर उसमें कितने आदमी, अगर 4 आदमी हैं तो ऑपरेशन को किस तरह से डिवाइड किया जाए कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाए, वो एरिया कैसे, बस सिर्फ बता दिया जाए कि वहाँ जाना है, बाकी सारी कुछ हम लोग खुद ही कर सकते हैं। इतने मतलब बता दिया गया कि किसी की हेल्प ना लेना, हर एक जवान खुद में इतने टैलेंटेड है कि उसके बारे में बता सकते हैं कि वहाँ कैसे किस तरह से करना चाहिए। एबीपी सांझा, जोश जज्बा जुनून।